केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। तो आइए न्यूज स्टेट की इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार का क्या प्लान है। तो आइए जानते हैं कि किन वजहों से इस वक्त वक्फ बोर्ड चर्चा में है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में पारित किया गया था, पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। साल 2013 में जो संशोधन यूपीए सरकार में हुआ था उसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। इसमें आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम बच्चे, सिया और बोहरा समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में आज आम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। और देश भर में 30 वक्फ बोर्डों के पास करीब 200 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। दूसरी बात कि दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियाँ निहित नहीं है जितनी भारत के पास है। यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्रों के पास भी इतनी शक्ति नहीं है जितनी भारत के वक्फ बोर्ड के पास शक्ति है। एक बार जब कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते हैं। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी संपत्ति पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अदालत में इनके खिलाफ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वहीं सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बोर्ड को अपने कामकाज में पारदर्शिता रखनी चाहिए और वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सरकार इस कानून को लेकर क्या प्लान कर रही है। बीते शुक्रवार को कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है। सरकार इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड के उन शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है जिसके तहत वह किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देती है। इन बदलावों के पीछे केंद्र सरकार ने जस्टिस सचर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया है। अब आपको बताते हैं कि सरकार इस कानून में क्या बदलाव कर सकती है। मौजूदा सरकार के हिसाब से वक्फ की संपत्ति में केंद्र और राज्य सरकार दखल नहीं दे सकते हैं। ऐसे में सरकार इन कानून में बदलाव करना चाहती है। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति नहीं बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों के वक्फ में भी महिला सदस्यों की वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। इस वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, जिस ज़मीन से कोई मतलब नहीं उस ज़मीन को भी बहुत ही ज़मीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये ज़मीन बहुत की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगादा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज़ है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और धौंस जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 2013 में वक्फ बोर्ड को मिली व्यापक शक्तियों से इस वक्त परेशानी और कैसी गड़बड़ियों का सामना कर रही है सरकार, आइए आपको इसके बारे में भी चीजें समझाते हैं। सरकार को ऐसा पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति का दावा करने का व्यापक अधिकार मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के संरक्षण में देरी हो रही है। सरकार वक्फ बोर्ड के शक्तियों के सीमित करने के लिए जिला स्तर पर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में एक समिति बनाने पर विचार कर रही है। अब इस कानून में बदलाव होने से विपक्षी सांसद क्या दलील दे रहे हैं। AIMI के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद अशरुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन
वक्फ शक्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है और इससे मुस्लिमों के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। अब देखिए सरकार इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को संसद में कब पेश करती है। फिलहाल इस अधिनियम को पेश करने से पहले लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है और अधिकारी इसका खाका तैयार करने में लगे हुए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।